हेलो एवरीवन हाउ आर यू आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट टू जी हाँ फ्रेंड्स पिछले वीडियो यानी कि पार्ट वन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के डिफिनेशन सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है डीपली बेसिक टू तो एडवांस मैंने सारा कुछ आपको इंट्रोडक्शन का बता दिया दिस इज द दिस आप, लास्ट पार्ट ऑफ़ स्पीच ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे लास्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन जिसका पार्ट टू मैं आज आप लोग को बताऊंगी मैंने सारा डिफिनेशन एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से बता दिया है फर्स्ट पार्ट में जो कि आप देखना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप इजली जाकर देख सकते हो एंड मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी सेंटेंस के आधार पर आप इसे कैसे बना सकते हो कैसे पहचान सकते हो कैसे यूज़ कर सकते हो तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज आप लोगों को मैं कुछ सेंटेंस के द्वारा आपको बताती हूँ कि आप इंट्रोडक्शन को कैसे समझ सकते हो तो मैं एक बार और आपको समझा देती हूँ इसके डिफिनेशन इन अ शॉर्ट एन इंटरजक्सन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ यूज टू एक्सप्रेस इमोशन सैडन बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स तो इसे हमें हिंदी में भी आपको समझा देती हूँ इंटरजक्सन ये वो वर्ड्स है जो हमारी भावनाओं को हमारे जज्बातों को इमोशन को in, एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करता है इंटरजक्सन हमारे जज्बात हमारी फीलिंग्स हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने में मदद करता है और एक बात मैं यहाँ में आपको बता देती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरजक्शन में आप लोगों को बहुत ही हेल्प होगी इसके क्योंकि इंटरजक्शन के जस्ट बाद पंक्चुएसन मार्क लगता है पंक्चुएसन मार्क क्या है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है मैं आपको फिर से दोहरा देती हूँ जैसे कि एक्सक्लामेशन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं जैसे एग्जांपल में बता, मैं बता देती हूँ हुर्रा वी वॉन्ट द मैच हुर्रा वी वॉन्ट द मैच हम लोग मैच जीत गए हुर्रा कम मैच ट्रांसलेसन नहीं कर सकती हूँ ट्रांसलेट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हुर्रा क्या है एक फीलिंग है खुशी की एक फीलिंग है जश्न की हुर्रा तो इसे ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है और एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि इंट्रोडक्सन शब्द के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए इंट्रोजक्शन के जस्ट बाद पकटुअसन मार्क लगेगा जैसे हुर्रा हमने लिखा और जस्ट स्पेस दे दिया उसके बाद पंक्चुएसन मार्क लगाए तो ये गलत हो जाएगा पंक्चुएसन मार्क के साथ ही इंट्रडक्शन के जस्ट बाद पंक्चुएसन मार्क एंड आफ्टर दैट स्पेस ये दोनों साथ में ही रहते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये असर है आप बात याद रखोगे इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरडक्शन में ये सारी बातें चलिए मैं आप लोग को अब एग्जांपल बताऊंगी कुछ जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी उससे पहले आप जान लीजिए कुछ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन पहले ऐसे तो मैंने बताया ही है पहले आपको तो कुछ आज मैं आपको और आप बता देती हूँ जैसे फर्स्ट है ग्रीटिंग ग्रीटिंग ये क्या हो गई जब आप किसी से मिलते हो ऑन दैट टाइम ग्रीटिंग शब्द का आप यूज़ करोगे और जो सेंटेंस आप यूज़ करोगे उसमें आप ग्रीटिंग इंटरजेक्शन का यूज़ करोगे जो आए खुशी के लिए अप्रोवल किसी बात से सहमत होते हुए आप रजामंद होते हुए अप्रोवल का यूज़ करते हो अटेंसन ध्यान अपनी ओर खींचते हुए अपनी ओर आकर्षित करते हुए अटेंशन सरप्राइज़ किसी बात पे हैरान अचंभो जब हम होता है सरप्राइज सैरो किसी बात का अफसोस करते हुए दुख गम का इजहार करते हुए ये सारी पार्ट्स ऑफ इंट्रोक्शन है तो चलिए अब मैं आप लोगों को एग्जांपल लेकर बताती हूँ एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया तो न्यू दिल्ली क्या है इंडिया का कैपिटल है ये मैं डॉट में बता रही हूँ न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ़ इंडिया यानी कि मुझे पता नहीं है कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है लेकिन मैं डॉट में बता रही हूँ तो यहाँ पर ई आर जो यहाँ पर है ये क्या है इंट्रोडक्सन है आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ तो मैं डॉट यहाँ पे भी आपका ए, ये क्या हो गया ये इंट्रोडक्शन है इसके जस्ट बाद कॉमा है यानी पंक्चुशन मार्क अलाश माई फोन हैव सम लिमिटेशन अलाश माई फंड हैव सम लिमिटेशन तो यहाँ पे आलाश क्या हो गई यहाँ आलस नहीं यहाँ पे इसको अलास पढ़ेंगे जिस जो कि ये इंट्रोडक्शन है और इसके जस्ट बात कॉमा यानि कि पंक्चुएसन मार्क आह वाट आ लवली बेबी आह वाट आ लवली बेबी कितना प्यारा बच्चा है यहाँ पे ये पंक्चुएसन मार्क कॉमा हो गई और ये आह ये हो गई इंट्रडक्सन ओ नो no. Did I leave my keys in the car? Oh no. Map key car gaya. Oh no. Yeah, Interjection. Oops. Almost spilled the coffee. Yeah oops. Interjection. Ah oh, it's same. It's the same. I can't make it. Disappointed. Ah oh, it's सेम आई कंट मेक इट आउच दैट रियली हर्ट्स आउच दैट रियली हर्ट मार्क यानि पंक्चुएशन मार्क है नेक्स्ट दिस ऐपल इज रोटेन ओह वाट आर नाइस व्यूज ओह ओह डिड नाट सी यू मैंने तुम्हें देखा नहीं ओह आउच द वॉट इज़ पेनिंग जख्म बहुत ही दर्द कर रहा है द वॉट इज़ पेनिंग शॉइट शक्वाइट चुप हो जाओ ओप्स आई ब्रोक द पेन मैंने पेन तोड़ दिया ओप्स आई ब्रोक द पेन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पूरा पिज़्ज़ा खा खा लिया वे आई कॉन्ट बिलीव आई एट द होल पिज़्ज़ा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पूरा पिज़्ज़ा खा लिया तो ये मैंने आपको सम इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेज बताएं जिसमें आप इज़ली इंट्रडक्शन uh, को यूज़ कर सकते हो और टॉकिंग टाइम स्पोकन टाइम जब आपको यूज़ करना हो तो आप इंट्रोडक्शन कैसे यूज कर सकते हो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सारा बताया है तो आपको सारा डीपली में अगर जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं आपको डीपली उसमें भी पता चल जाएगा मैंने सारा कुछ आपको बताया है तो इसमें भी मैंने आपको सारा कुछ डीपली बताया है आप इजली समझ सकते हो एंड मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू टेक केयर फ्रेंड्स बाय